नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। हरियाणा के गुरुग्राम में न्यूज 24, न्यूज नेशन और इंडिया न्यूज के जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी बनी हुई है। इन सभी के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 51 में जन जागरण मंच, यूथ सनातन सेवा, भारत जागृति मोर्चा, परशुराम सेना वाहिनी, युवा सेवा संघ, अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच और महिला मंडल के सभी संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर कोई अन्य आरोपी होता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन क्या वजह है जो इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 साल से दर्ज मामले में अगर जल्द ही इन मीडिया कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो इसको लेकर पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो सिर्फ मैं सारे न्यूज चैनल से और ये सारे पुलिस स्टेशन के जितने भी आला अधिकारी अंदर बैठे हैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या न्याय सिर्फ रसूखदारों के लिए है? सलमान खान, लालू प्रसाद यादव, इन्हीं को न्याय मिलेगा क्या भारत के न्याय प्रक्रिया में? और हम जैसे जो गरीब लोग हैं या जो मीडियम वर्गीय लोग हैं, क्या उनके लिए न्याय नहीं है? परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।